इसको बोलते हैं सिल्वर वाली तलवार, सिल्वर ये बाहुबली तलवार है। अच्छा, जो पहले बाहुबली से फिल्म आई थी उस टाइम से ये चल रही है, थोड़ी क्रेज है लोगों को। मतलब पहले मनोज चौहान। अच्छा, मनोज चौहान जी, तो ये मैंने सुना है कि जोधपुर में भी काफ़ी तलवार फेमस है, जोधपुर की तलवारें काफ़ी फेमस हैं, तो आप मुझे थोड़ा तलवारों के बारे में बताएंगे, मतलब आपके पास कौन कौन से टाइप की वैरायटी है और किस टाइप की तलवार है, मतलब धार की या बिना धार की, लीगल है कि नहीं है इंडिया के अंदर, कौन सी लीगल है कौन सी नहीं लीगल है, तो वो थोड़ा सा आप मुझे बताइए। और आपके तलवार, आपके जो दुकान के अंदर जो तलवार हैं उसके बारे में मुझे आप बताइए थोड़ा सा। ठीक है, तलवार देखो जैसे एक आती है ये क्या ट्रेडिशनल तलवार है ये। अच्छा, ये क्या है कि शादी ब्याह में काम आती है। अच्छा अच्छा, और नवरात्रि में इसी को पूजा के रूप में भी काम में लेते हैं, तो ये मैरिज सेरेमनी की तलवार है, आजकल वही काम हो गया है, लेकिन गिफ्ट में भी काम आती है। अच्छा अच्छा, ये राजपूतों का छोटा मोटा फंक्शन है तो उसमें गिफ्ट देते हैं, डेकोरेशन है। अच्छा अच्छा, उसमें भी काम है, राजस्थानी परंपरा है। तो ये क्या प्राइस इसकी? ये इसकी प्राइस आपके कम से कम 1200 रुपये। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? मैरिज सॉर्ट। मैरिज सॉर्ट मतलब शादी वाली तलवार, जो शादी में यूज होती है, या ट्रेडिशनल तलवार के तो जो है वो ये है। अच्छा अच्छा, इसमें मतलब ये बेसिक है? बेसिक है, इसमें शेर की मूड होती है। अच्छा अच्छा, और मखमल का कवर होता है, इसमें मखमल में अलग अलग कलर भी आते हैं, जैसे कोई पीतल का कवर मांग ले तो वो भी आएगा। हाँ हाँ हाँ, इसमें मखमल में मैरून कलर है, और इसमें कोई रेड कलर भी आते हैं, ये लाल कलर में, लाल कलर थोड़ा शुभ मानते हैं, देखो शादी में जो माता जी का कलर है। तो आप मुझे प्राइस भी बताते रहिए साहब। प्राइस जो ये 1500 रुपये। अच्छा, उस छोटे वाले का 1200 और इसका 1200, ये 1500। अच्छा अच्छा, शादी में ज़्यादा ये चलती है, रेड कलर सब मानते हैं। अच्छा अच्छा, ट्रेडिशनल हर शादी में उगती है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसके ऊपर आप चांदी का पॉलिश भी करा सकते हो, बोले गोल्ड प्लेटिंग, चांदी का पॉलिश थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के। अच्छा, अपनी मतलब अपने हिसाब से, कोई गोल्ड, कोई गोल्ड पसंद है, किसी को चांदी पसंद है, ड्रेस में लुक के हिसाब से, कोई कहता सिल्वर अच्छा लग रहा है सिल्वर पॉलिश करा लेगा, तो गोल्ड चढ़वा लेगा। बाकी ये गिफ्ट कोई डेकोरेशन के हिसाब से बनता है, जैसे ये डाल तलवार है, इसमें डाल तलवार है, कोई ड्राइंग रूम में सजाता है, कोई गिफ्ट देता है, सब में काम आती है। अच्छा अच्छा, इसमें ये है, ये पीतल के बंद है बड़े, अच्छा सारी खुदाई काम किया हुआ है, और शेर का बड़ा हैंडल है। अच्छा अच्छा, ये ट्रेडिशनल चीज़ है, लेके इसका लेके खड़े होते हैं शादी में, उस टाइप की है। अच्छा अच्छा, इसमें क्या बोलते हैं इसको? इसको ये सेरेमोनियल शॉर्ट, ये फुल साइज में है। अच्छा अच्छा, वो साइज चीज छोटी, ये फुल साइज में, ये करीब पड़ेगी आपके 4500 तक। अच्छा अच्छा, इसके अलावा आप आती है इसमें, ये सिल्वर पॉलिश की है ये वाली। अच्छा, ये इसी को चीज में और चांदी का पॉलिश कर दिया हमने, तो अलग दिखने के लिए, एंटिक लुक, तो किसी को अलग लगता है, इसमें कलर अलग अलग हो सकते हैं। ये आती है इसमें, ये पूरे म्यान के ऊपर चांदी का वर्क, फिर देखो आप, ये लोहे का म्यान है, इसके ऊपर पूरा चांदी का वर्क फिटिंग किया हुआ है। अच्छा, ये पूरी चांदी की नहीं, ये लोहे, नीचे लोहे का बेस है। अच्छा, उसके ऊपर चांदी खुदाई करके चांदी फिट करी हुई है, मतलब उस पे चांदी का वो पॉलिश है। इसमें म्यान कभी खराब नहीं हो जाए, मखमल का मैला हो जाता है, ये कभी खराब होगा नहीं, काला पड़ेगा, चमका सकते हो आप। तो जैसे जो सुनने सिल्वर की तलवार बोलते यही वाली है? हाँ, ये चांदी की तलवार है ना, चांदी की पॉलिश टाइप। अच्छा अच्छा, और ये कब काम में लेते हैं लोग ज्यादातर? ये वाले, ये भी वही अपने शौक के हिसाब से, देखो डेकोरेशन बजट के हिसाब से, कोई बढ़िया रॉयल लेता है तो ये चीज लेके जाएगा। करेक्ट, ये बात। क्या क्या प्राइस बताइए आपने इसकी? ये वाली पड़ जाएगा करीब आपके 15000 की। अच्छा अच्छा, 15। और इसको बोलते हैं सिल्वर वाली तलवार? सिल्वर वर्क, सिल्वर वर्क, नार मुखी हैंडल है। हाँ, ये ज्यादा अच्छा, नार, नार। अच्छा अच्छा, ये ट्रेडिशनल चीज तो यही है, इसमें हाथी का मूड भी आता है, वो दिखाता हूँ आपको। ये एलिफेंट हैंडल है। अच्छा अच्छा, उसी में ये सेम है ना? उसी में, बस मखमल का कवर है और मखमल का 3 बंद दे दिया हमने, और हाथी का चेहरा टाइप जो एंटीक लुक में तक लोग पसंद करेंगे। अच्छा अच्छा, क्या प्राइस इसकी? ये वाली, ये भी 15000 की पड़ेगी। अच्छा, इसमें कोई कलर करा सकते, मखमल का, लाल। अच्छा, अपने हिसाब से आप कलर करा सकते, कोई भी ड्रेस के हिसाब से। अच्छा, कोई लेदर भी लगवाता है? अच्छा अच्छा, अपने चॉइस के हिसाब से। लेदर अच्छा लग रहा है हमको, लेदर लाइक करते हैं, लेदर लगाओ चॉइस के हिसाब से। चॉइस के हिसाब से एक आते हैं, फिर इसमें लेदर के ऊपर वर्क, ये लेदर के ऊपर वर्क किया हुआ है। वाओ, ये भी आज से ज़्यादा चल रही है। इसमें ये अलग अलग वंश के, जैसे कोई राठौड़ है जी तो ये लग गया, कोई बाटी है तो बाटी वंश का लग गया। लोगो लगा सकते हो आप? लोगो लगा, तो अलग अलग वर्क होते हैं ये, या दूल्हा दुल्हन के फोटोज भी लगते हैं आजकल इसमें।
तो ये ऑर्डर पे बनाते हो आप? हाँ, ये ऑर्डर पे बनाते हैं, ये तैयार नहीं रहती है। जैसे किसी जिसमें पार्टी हो तो मुझे पार्टी का लोगो लगाना, तो मैं अपने हिसाब से ऑर्डर दे सकता हूं। दो चार दिन पहले ऑर्डर दे, हम बना देंगे। कितने दिन में बना के देते हो फिर? कम से कम 4 दिन लगते हैं ऑर्डर से। ठीक है, क्या प्राइस रहता फिर इसका? ये वाला रहेगा कम से कम 2500 रुपए तक। 2500 रुपए तक? इसमें लॉन्ग लाइफ कुछ होगा ही नहीं। ये लेदर के ऊपर एम्बोज कवर किया हुआ है जी, और कभी काम खराब होगा ही नहीं। मखमल मैला हो जाएगा, पीतल काला पड़ जाएगा, ये कुछ नहीं होगा। करेक्ट करेक्ट। और लगने भी अट्रैक्टिव है, देखो शादी में जब ये पकड़ देना, ये अलग ही लुक आता है जी। ये बाहुबली तलवार है। अच्छा, जो पहले बाहुबली से फिल्म आई थी उस टाइम से ये चल रही है, थोड़ी क्रेज है लोगों को। तो मतलब पहले कहने का मतलब, पहले तो ये तलवार थी लेकिन बाहुबली में यूज हो गई, उसके बाद में ज्यादा फेमस हो गई है। इस हैंडल का थोड़ा अलग लुक काम आ रहा है। अच्छा, शादी में भी लोग ले जाते हैं, सजाने में भी ले जाते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसको बोलते हैं बाहुबली तलवार। हाँ, इसको बाहु। क्या प्राइस रहेगी इसकी? ये पड़ जाती करीब 4-4.5 हजार पड़ जाती है, क्योंकि उसमें पूरा ऊपर का जो हैंडल है ना वो पीतल का बना हुआ है। करेक्ट, 4.5 हजार। हाँ, ये क्या है इसकी, इसकी क्या खास है? ये वाली कवर के साथ है क्या? लेदर? हाँ, ये भी ये लेदर की वाली तलवार है, इसमें लेदर पसंद। अच्छा, किसी ने लेदर चाहो तो लेदर का भी लेदर पसंद करता है, मखमल पसंद करता है, अलग अलग। कोई लेदर में ब्लैक आता है, ब्राउन आता है, दो कलर है। तो उसमें फिर प्राइस कैसे आप मतलब डिसाइड करते हो कौन सा प्राइस? तो देखो अंदर तलवार तो सेम ही होती है। करेक्ट, बाहर के जो है वो 200-300 रुपए का डिफरेंट होता है, ज्यादा नहीं। अच्छा अच्छा, जैसे कोई लेदर ले लिया तो लेदर के 300 रुपए एक्स्ट्रा समझो आप। अच्छा, वो तलवार 1500 या 1500 की आगे, तो इसमें 1800 की पड़ेगी। अच्छा अच्छा, लेदर का थोड़ा महंगा रहता है। और हैंडल भी ले सकते हैं आप, जैसे हैंडल ये गोल है, कोई शेर वाला हैंडल लेता है, कोई घोड़े का लेता है, ये की बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा अच्छा, इसके अलावा ये बेल्ट है, बेल्ट दिखाओ आप। हाँ दिखाइए, ये फर्स्ट की डाल है, ये बुटन में बना हुआ ये भी। अच्छा अच्छा, कोई धार नहीं है, खाली डेकोरेशन है। 100 पीस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं शील्ड, फर से वाले शील्ड। मतलब ये मेन तो डेकोरेशन के लिए, पर डेकोरेशन में या गिफ्ट आइटम हो गया। ड्राइंग रूम लोग सजाते हैं, जिनको सजाने का होता है जी, बड़े बड़े हॉल है, क्या सजाएं। करेक्ट, तो ये डेकोरेशन करते हैं। क्या प्राइस इसका? ये प्राइस पड़ता है आपके 2200 रुपए तक। अच्छा अच्छा ठीक। उसके बाद एक कटार देखो आप, शादी के वक्त में इस पे थोड़ा चांदी का वर्क किया हुआ है। ये कैमल बोन का हैंडल रहेगी, रियल कैमल का, रियल कैमल बोन। अच्छा अच्छा, क्या इसके जगह पुराने टाइम में हाथी दांत लगता था, अब तो कैमल के दांत का है ना, हाथी के, वो हाथी के दांत तो है नहीं अब, इसकी जगह ये कॉपी चलती है आजकल डेकोरेशन। तो इसके क्या बोलेंगे मतलब कैमल के, ये क्या इसको वैसे क्या बोलते हैं? कटार बोलते हैं, कटार बोलते हैं, राजस्थानी कटार। अच्छा, राजस्थानी कटार। हाँ। तो ये जो आप बता रहे हो कि मतलब ये एक कटार है जो इस, ये ऊपर का इसका जो मुंह बना हुआ है वो कैमल की हड्डियों से, कैमल के बोन का है मतलब। हाँ जी, ठीक है। तो मतलब वो लीगल है फिर, जैसे कैमल की मतलब जैसे पार्ट यूज करने ग्राफ में आजकल लगता ही है। ओके ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें कोई खराब होने के चांसेस नहीं है ना? नहीं नहीं, ये लॉन्ग लाइफ खराब नहीं चाहिए। तो ऐसे शाइनिंग, इसको खोल के दिखाइए। ये शादी में यूज करता है दूल्हा? शादी में जी, किसी को चमक नहीं चाहिए तो ये डल पॉलिश में चलती है, ये एंटीक लुक में भी आ जाएगी। ये इस तरह से काम आती है, वो बेल्ट के अंदर पहनेंगे जी। इसके अंदर शूटिंग में भी देते हैं, हमने वीर में दिया है, वीर मूवी सलमान खान की है। इस तरह का डैगर होता है ये। अच्छा, इसमें क्या है कि ये अलग स्टाइल का बना हुआ है, पुराने स्टाइल, पहले वो मूछ नहीं होती थी, मूछ। अच्छा, मूछ स्टाइल में बना हुआ है, मतलब मूछ के आकार, मूछ की तरह, मूछ के आकार, मूछ का स्टाइल। ये क्या है कि पहले जो बख्तर होता था ना लोहे का, जो लोहे की कोई पोशाक पहन के युद्ध कर रहा था, उस टाइम तलवार उस पर असर करती नहीं थी, तो उसके ऊपर ये पॉइंट जो है ना, ये उसको काट के मार देता था, ये वो हथियार है। जैसे ये आप देखो, ये लोहे की पोशाक है ना ये जी, अब इसके ऊपर तलवार असर करेगी नहीं जी, तो ये पॉइंटेड है, ये इसको काट सीधा जाएगा, सीधा मार सकता है। अच्छा, इस तरह का आइटम है। अच्छा मतलब, पर अब तो 100 पीस रह गया डेकोरेशन। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी वही बोन का हैंडल है, कैमल बोन। कैमल बोन है, कैमल बोन। ये लेदर का है ना? ये लेदर कवर है। अच्छा, लोग सजाते हैं आजकल, डेकोरेशन रह गया, ड्राइंग रूम में करेक्ट होता है। क्या प्राइस इसका?
ये वाला करीब पड़ जाता आपके 5,000 का, 5,000 ठीक। इसके लिए एक और आता है जो मैं बताऊँ आपको, स्टोन हैंडल में आता है ये, इसमें आप देखो ये बेड का चेहरा है और स्टोन का बना हुआ है, पत्थर का। अच्छा ये पत्थर है? ये पत्थर है, ये पत्थर का बना हुआ है और इसमें जो है ये देखो ये दो धारी है, दोनों तरफ धार होती है इसमें। ये भी पहले सेफ्टी में काम भी लेते थे, पहले कोई अपने सेफ्टी के अंदर बेल्ट के अंदर पहनता था। अच्छा अच्छा पत्थर का हैंडल है ये, इसमें भी लोग कोई लेदर कलर करवाता है, कोई मखमल लगवाता है अपने हिसाब से। क्या प्राइस है, क्या प्राइस का रहेगा ये वाला? भी करीब 5,000 का है। इसके अलावा एक ये तीर कमान भी आते थे पहले, तीर कमान जो होते हैं ना, ये भी आजकल लोग डेकोरेशन में सजाते हैं। तीर आ गया ये इस तरह से, लोग ड्राइंग में सजाते हैं, हमने बनाया देखो आप। जी जी तीर आ गया ना, ये हॉल में सजाने के लिए जी, तो किसी को शौक है तो तीर लगा दिए और ये कबाड़ इसके ऊपर ही आ जाता है साथ में। अच्छा, तो हॉल में शो हो गया, तभी नई जनरेशन जो है ना जी, उनको बता सके भी पहले इस टाइप से युद्ध लड़ते थे, ये तीर कमान है इसके ऊपर से युद्ध में ये भी काम आया। नहीं नई जनरेशन क्या बता कि सही बात, क्या काम आता था। तो ये पूरा सेट कितने का है फिर? ये पूरा सेट पड़ जाता है आपको करीब, ये भी 120 रुपये का एक तीर होता है। अच्छा, जैसे 20 तीर लग गए तो 2400-2500 के तीर हो गए, फिर बैकग्राउंड है, फिर 2,000 का कमान आ जाता है, तो करीब समझ लो कि आप 5,000-6,000 में सेट हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये किसका बना हुआ है? ये लोहे का बना हुआ है, पहले बांस का भी मिलता था, जैसे अभी आदिवासी लोग है बांस के काम बिल वगैरह यूज करते थे, बिल आदिवासी बिल वगैरह। हाँ, वो बांस का वो है, वो बड़ा ऊपर था। अच्छा, ये बांस का, ये तो अभी भी काम है, बांस में काम आते हैं, तीरंदाजी में भी काम लेते हैं। हाँ, तो तीरंदाजी प्रतियोगिता होती है ना, बिल्कुल इस टाइप के काम में लेते हैं। ये बांस का है, ये बांस का बना है, इसको तो बहुत बड़ी ताकत होती है, बताइए इससे तो शिकार भी करते हैं। आदिवासी और कौन सी लकड़ी यूज होती है इसमें? ये तो बांस की लकड़ी होती है। बांस में क्या है कि लचक होती है ना, जैसे ये है देखो, ये आपको देखूँ ये पूरे बांस का बना हुआ है, ये पूरे बांस का बना हुआ है, ये आदिवासी जो काम में लेते हैं ना वही। इसकी तक बहुत तगड़ी होती है, इसलिए वो उसमें काम भी लेते हैं, शिकार भी करते हैं, ये मच्छी मार ली खुद भी मार देते हैं शिकार के लिए। ये तो सस्ता ही आता है, ये तो आपके आ जाता है करीब 1200 रुपये का। अच्छा, 1200 रुपये में, ज़्यादा महंगा नहीं है। और ये तीर इसके साथ? तीर तो वही 120 का एक। अच्छा, ये क्या है? कौन सा? ये वाला ये तो मसाल है। अच्छा, वो पहले ये क्या है कि हवेली के बाहर वेड़ लगाते हैं मसाल, इसमें वो जुट को भर के लगा देते हैं जी, तो ड्राइंग रूम में या एंटीक लुक में रात को लाइट टाइप लगती है हवेली के बाहर, इस टाइप की पॉट होती है ना हवेली में। जी जी जी, एक इधर और एक इस साइड लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें वो जेल भी डाल सकते हैं, आजकल जेल आती है शादी ब्याह में डालते हैं, जेल लगा या बल्ब भी लगा सकते हो, बल्ब लगा दो लाल कमरे का नीचे स्विच आ जाए। मशाल का यूज़ बल्ब लाइटिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डेकोरेशन और डेकोरेशन। ये क्या है? कौन सा? ये तो वो शूटिंग के जो कैप पहनते हैं ना जी, वो हेलमेट ये हमने वीर में दिया है। अच्छा, वीर मूवी सलमान। हाँ, वीर सलमान जी, मैं मेरठ के जोधपुर में बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें दिया था, उसमें हमने दिया, वीर में दिया है, जोधा अकबर में दिया है। अच्छा, और एक शूटिंग हुई थी यहाँ पे कच्छ के अंदर। अच्छा, मोहन जोधारो, ऋतिक रोशन। बिल्कुल बिल्कुल, मोहन जोधड़ो, उसमें हमने सम्मान दिया। फिर वो लोग कॉन्टेक्ट कैसे करते हैं आपसे? कॉन्टेक्ट तो देखो, पुराने हम बनाने वाले दादा पड़े, यही काम था, तो उस
उसके हिसाब से वो आते हैं देखने के लिए कि हमारे ये बनाना है, तो पहले हमको एक सैंपल बना के देते हैं, फिर वो डायरेक्टर आगे ओके करता है, फिर और ऑर्डर आता है। तो काफी मूवीज में या तलवारें हैं, मतलब जब हथियार का काम होता है तो हमको जरूर याद करते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात। ये क्या है? ये क्या है? सलामी क्रिच होती है, क्रिच। अच्छा, मिलिट्री के अंदर होते हैं ना, कर्नल जनरल जी जो अपनी उपाधि धारण करते हैं, उससे पहले सलामी लेते हैं, गार्ड ऑफ ऑनर, उसमें अंदर ये काम आती है। अच्छा अच्छा, तो ये क्या है कि सेरिमोनियल नहीं है, ये वही है। तो इस तलवार को क्या बोलेंगे फिर? अभी इसको बोलते हैं क्रिच, क्रिच तलवार बोलते हैं, सलामी क्रिच, सलामी क्रिच तलवार। क्या प्राइस है ये? पड़ जाए करीब आपके 6,000 रुपये तक। इसमें पूरा स्टील का कवर होता है। इसमें भी कोई चाहे तो वो चेंज करवा सकता है अपना, जैसे कोई किसी कर इसको सकता है, पर इसमें लोहे का चाहिए, तांबे का चाहिए, जैसे इसमें अलग अलग है। ये मिलिट्री की क्रिच है, राजस्थान पुलिस में जो होती है उसमें ब्राउन कलर का होता है, करेक्ट, और आर्मी के अंदर ब्लैक कलर कवर होता है, बाकी सब सेम है, कवर में चेंजेज होता रहता है। ये पोशाक ही है, ये लोहे के पैंट शर्ट है, लोहे की पैंट शर्ट। हाँ, लोहे की पैंट शर्ट है। दिखा सकते हो मैम? हाँ, मैं निकालता हूँ, उठा रहा हूँ। तो अभी तो ये सिर्फ शो डेकोरेशन में ना? हाँ, डेकोरेशन रह गए, तो ये शर्ट है। अभी कोई इसको यूज करेगा? कहाँ यूज करेगा? कहीं नहीं, अभी कोई नहीं, अभी लोग सिर्फ सजाने के लिए काम में लेते हैं। करेक्ट करेक्ट, किसी को शौक है अभी बताइए इसको, प्रॉपर्ली बताइए इसको। ये शर्ट है? ये शर्ट है। अच्छा अच्छा, और फिर नीचे? नीचे इसके अंदर पेंट आती है इसी टाइप की। अच्छा अच्छा, वो भी लोहे की आएगी। बनाते कैसे हो इसको आप? इसको क्या है कि एक लोहे की कड़ियों को जोड़ जोड़ के बनाना पड़ता है। मतलब पेंट और शर्ट है लोहे का? पेंट और शर्ट। कितने का पड़ेगा ये पूरा सेट? ये करीब आपके बढ़ जाता है 12,000 तक बढ़ जाएगा। 12,000? हाँ, एक लोहे का शर्ट पैंट और ये हेलमेट, 12,000 में 3 सेट आएंगे। ये भी सीधी क्रीज बनी हुई है पीतल के कवर में। अच्छा अच्छा, ये वाली? हाँ, ये पीतल। इसका जो हैंडल है वो ईगल का, देखो आप। हाँ हाँ, ईगल का चेहरे का बना हुआ है, ये पहले कारीगर ने किसी ने बनाया था। हाँ हाँ, ये अलग है। एक ये मराठा शॉर्ट है, ये देखो आप, देखो ये क्या है? मराठा, ये मराठा शॉर्ट जो होती ना। अच्छा, मराठा तलवार है? हाँ, मराठा तलवार है। ये शिवाजी महाराज की तलवार टाइप चलती है ये। अच्छा, वो बोरी मराठा तलवार ना ये। और ये देखो, ये डेकोरेशन पीस है। ये पेंटिंग की तलवार है, इसको सजा दिया हमने, ड्राइंग रूम में लोग सजाते हैं इसको। और यहाँ जी नीचे अलग अलग सिंबल लगते हैं, जैसे बाटी का सिंबल है जी, तो राठौर का लग सकता है। ये करीब पड़ती है आपकी 6,000 रुपये तक। अच्छा अच्छा, एक इससे बड़ी है ये देखो आप, ये 3 फीट बाई 4 फीट की है। इसमें भी अलग लेदर का काम, सीप का, वाइट मोती का काम किया हुआ है, राठौर लगा हुआ है। कलर भी आप कोई भी ले सकते हो, रेड कलर है रूम के हिसाब से जी, कलर अपने हिसाब से। हाँ, और लोग इसको गिफ्ट भी करते हैं, यहाँ पे नेम प्लेट लगती है। बिल्कुल, जैसे मकान मोहरत हुआ या कोई रिटायरमेंट हुआ तो लोग इसको गिफ्ट करते हैं। राजस्थान पुलिस में भी खूब जाती है हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा, कितने का पड़ेगा ये? ये वाला करीब 12,000 का पड़ेगा। 12,000 फुल साइज, इससे बड़ा आते हैं, 3 फीट बाई 4 फीट का है। इसके अलावा ये है, ये ढाल है, ये वाली ढाल है। अच्छा अच्छा, मेवाड़, ये ढाल है, इसमें मेवाड़ का सिंबल है, चित्तौड़, महाराणा प्रताप और भील। तो ये फिर अपने हिसाब से, जैसे मुझे मान लो अपने जैसे मैं भाटी हूँ तो भाटी लोगो लगाना, तो लोगो लगा सकते हो? भाटी का बन सकता है, इंदा का बन सकता है, पवार वंश का, मतलब कोई भी बन सकता है, लोगो लगा दो अपने हिसाब से। ये लोग आजकल सजाते हैं, जो गुजरात के लोग हैं तो वही कोई जादौन का बनवाता है, कोई परमार का, कोई जाडेजा, चावड़ा, सब तरह के बनाते लोग, बेंगलुरु में सजाते, आजकल क्रेज है। ये शेखावत का, ये शेखावत का सिंबल है, ये वुडन के ऊपर लगा हुआ है, ये ड्राइंग रूम में लगा दिए जी।
एक इस तरह के मुंह बने हुए देखो, ये घोड़े की खाल के बनते हैं। ये घोड़े की खाल है? हाँ, ये घोड़े की खाल के बनते हैं। तो घोड़ा मर जाता है ना, उसकी खाल को काम में लेते हैं, बढ़िया बना के ताकि लोग हॉल में सजा सकेंगे। कितने का पड़ेगा ये वाला? करीब पड़ता है आपके 2000 का। अच्छा, वन पीस। इसमें मैंने ज्यादा है ना, पूरा हाथ का काम है। इसमें शेर के चेहरे भी बनते हैं, शेर का उस साइड में लगा हुआ, वो रहा उधर। महाराणा प्रताप कटार पहले युद्ध में भी यही काम ले जाते, जब तलवार का वार आता था ना तो हाथों पे लगता था, इस तरह की ये बनी हुई। और ये भी वो तीखी है, ताकि लोहे के बख्तर होता है उसको काट देती थी। अच्छा अच्छा, उस टाइप से बनी हुई। इसमें अलग अलग डिजाइन होती है, ये दो तीन तरह की है। ये है, ये नागिन गटार बोलते हैं इसको। नागिन क्यों? इसको मतलब इसमें जो है ना दो दिए हुए डिजाइन जैसे। अच्छा, नागिन गटार। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। ये आती इसमें कैची वाली गटार, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी अच्छा, इसको बोलते कैची वाली गटार। कैची गटार, इसको इसको आप ऐसे दबाएंगे ना खुलेगी। अच्छा, वापस कीजिए। ये हैंडल के अंदर दिया हुआ है। यूज में पहले जो काम ले रहे ना, तो चौड़ा घाव करने के लिए इसको काम ले, इससे छोटा घाव होगा। अगर इसको डाल के अंदर कैची से ऐसे करेंगे सब आतरे कट जाती है। करेक्ट, उस टाइम देखो कैसे टेक्निक बनेगी। इसको बोलते कैची वाली कटार। कैची वाली कटार। अच्छा अच्छा, और वो थोड़ा अलग है, वो क्या है? ये वाला। हाँ, ये वाला तो गोर का नहीं होता है, जो गोर के होते हैं ना नेपाली। हाँ, नेपाली गोर के इस टाइप का डेगा रखते थे पहले। कि यहाँ पे वो जब वो घूमते थे रात को सेफ्टी के लिए, दुकानों की चोरी वगैरह नहीं होता, वो यहाँ परमानेंटली गोर का हथियार होता था। अच्छा, मुझे वापस इनका थोड़ा महाराणा प्रताप कटार की क्या प्राइस है? ये इसकी महाराणा प्रताप कटार की प्राइस आपके 3000। अच्छा, ये 3000। और ये नागिन? ये नागिन है आपकी 2000 की। 2000। और ये जो कैंची वाली आपने बताई थी अभी, ये वाली पड़ेगी आप करीब 8000 रुपये तक। ये वाली ये थोड़ी महंगी है। ये महंगी, इसमें क्या तो टाइम लगता है ना बनाने में आजकल। और ये इसको ओरिजिनल तो इसमें वही पड़ी महाराणा प्रताप की किले में पड़ी चित्तौड़ के। बिल्कुल बिल्कुल, उसको देख के हमने बनाई है। अच्छा, उसी को देख के बनाई है? देख के बनाई हमने। ओके ओके, ऐसे हथियार में नई जनरेशन आजकल देखती है कि उसको बताते हैं हम। हाँ हाँ, इस टाइम के बनते थे पहले। ये सब महाराणा प्रताप के टाइम का है? ये सब महाराणा प्रताप, ये पूरा पुश्तन चीजें हैं ये सब। तो इसको बोल सकते हैं महाराणा प्रताप की कैची कटार। कैची महाराणा प्रताप का कैची कटार। कैची कटार, ओके, महाराणा प्रताप कैची कटार। और ये क्या है? अच्छा, नेपाली वाले कटार का प्राइस क्या बताया था आपने? नेपाल वाले कटार तो करीब 800 रुपये तक है आपके। अच्छा अच्छा, एक ये आता है इसमें, ये भी सेरेमोनी कटार है। इसमें क्या है कि ये कौन सा मुंह है? ये इसमें है पैरट का मुंह, तोते का मुंह बनाया हुआ है। ये शादी ब्याह में रजवाड़ी लगता है एकदम, डेकोरेशन का एकदम। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसमें भी अलग अलग ये मखमल के कवर अलग आते हैं, इसमें कोई लाल करवा लेता है, कोई ब्लू। ये करीब पड़ जाते हैं आपके 6000 रुपये तक। 6000। इसमें ये कलर एक और है, ये देखो आप पिंक कलर में भी है। इसके अलावा ये लोगो, अलग अलग लोगो भी बनाते हैं। अच्छा, रात को जो लोगो होते हैं ना, राठौड़, बाटी, मेवाड़। अच्छा अच्छा, ये सब बनाते हैं, ये कैप के ऊपर पहनते हैं। अच्छा, ये अच्छा लोगो भी बनाते हैं? ये लोगो भी बनाते हैं, राठौड़, बाटी, ये सांपे के ऊपर पहनते हैं, या शादी में कहीं जाते हैं तो कोट के ऊपर या लगाते हैं। कोट के ऊपर या लगाते हैं शादी के अंदर। अच्छा, शादी के अंदर कोट के ऊपर लगाने के लिए? हर हर अलग अलग कास्ट के बनाते हैं, राठौड़, बाटी, मेवाड़,
अच्छी शो दिया सब वंश के अपने अपने जो राजपूती कास्ट के बनाते हैं ओके ये ऐसे साफे के ऊपर लगाते हैं ये क्या सूरज है क्या ये सूरज है सूर्यवंश अच्छा अच्छा ओके ये साफे के लिए होता है ये राजस्थान पुलिस की जो रिटायरमेंट होती है ना ओके उसके अंदर सलाम गिफ्ट देने के हिसाब से काम आती है अच्छा जो मतलब जो राजस्थान पुलिस में सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको दिया जाता है रिटायर होने पर कि थाने के स्टाफ है सब मिलके अपने अफसर को रिटायरमेंट के ऊपर ही देते हैं उसकी वजह इस यही क्यों इसकी वजह इसकी वजह ये है कि अभी जैसे आप कोई छोटा आइटम दोगे चांदी का कोई गिलास भी दोगे ना तो वो घर में अंदर रख देंगे यही क्यों दिया जाता मतलब ये इसलिए देते हैं कि भाई ये हॉल में लगेगा ड्राइंग रूम के हॉल में लगेगा और रियाद करेंगे वो ओके ओके तो चांदी का आइटम भी दोगे तो अंदर रख देंगे स्टोर में ये हॉल में लगेगा जाते ही और उनकी यादगारी रहेगी कि मैं हमको गिफ्ट दिया वहाँ से आया हमारे और उसका सिंबल भी लगा हमने ये राजस्थान ये सिंबल है बिल्कुल अशोक स्तंभ और दो कलर में हमने बनाया है बिल्कुल बिल्कुल तो ये सबसे ज़्यादा बिकता होगा यहाँ पे आपका ये बिकता है हमारे ये राजस्थान पुलिस में जब भी रिटायरमेंट होता है ये लेके जाते हैं यहाँ पे चेंजेज होते थे जैसे आगे राठौड़ है अलग वंश के तो उनका लगता है ये बड़ की वाड़ भाटी जो हमारे भाटियों का ये भाटिया वंश का है बिल्कुल बिल्कुल ये भाटी वंश का हमारे ज़्यादा चलता है राठौड़ का ज़्यादा चलता है बाकी दूसरे कास्ट के कम आते हैं जी क्यों इनके सबकी डाई बनी हुई बाकी दूसरे को डाई बनवाता नहीं डाई अगर बनाएंगे तो वो बना देंगे हम और आपने बताया था सबसे ज़्यादा बिकने वाली तलवार ये है ना सबसे ज़्यादा तो ये वाली तलवार बिकेगी ये जो है राजस्थान तलवार शादी ब्याह वाली सबसे ज़्यादा बिकने वाली सबसे ज़्यादा चलती है अच्छा अच्छा क्योंकि ये कम बजट में एक तो ज़्यादा लोगों को महंगी पड़ती नहीं है और शादी के अंदर कंफर्टेबल भी है लाइट वेट में भी है करेक्ट करेक्ट ज़्यादा महंगी होती है दूल्हा उठा नहीं पाता है और ज़्यादा हल्की लेंगे तो वो गेटअप नहीं आएगा ये अच्छी सिंपल सॉबर और कम रेंज की तलवार है 1500 रुपये सिंपल ओनली सिर्फ कलर चेंज करा सकते हैं आप इसमें अच्छा कलर भी चेंज करो हाँ कोई भी कलर लो आप ड्रेस के अकॉर्डिंग ये कटार है देखो ये जो शहरी मूल्य तलवार है ना उसके साथ ये कटार लेते हैं गिराज अच्छा इसका कॉम्बिनेशन है मतलब इसका कॉम्बिनेशन सेट है जब वो शादी के लिए निकलता था ये यूज़ करेगा और जब वो बीच में जब डांस के टाइम में ये यूज़ करता अपने गले में नहीं नहीं ये तो क्या है कि जब ये दूल्हा बाने बैठता है पाठ बिठाते हैं अच्छा अच्छा तो ये कटार पहले पहनता है ये कटार और ये बेल्ट होता है लेदर का बेल्ट अच्छा अच्छा ये लेदर के बेल्ट में इसको फिटिंग करते हैं फिटिंग करने के बाद वो यहाँ पहनता है इस टाइप से बिल्कुल 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 तो ये क्या है राजस्थानी परंपरा है बिल्कुल बिल्कुल तो ये पूरा सेट कितने का पड़ता है जैसे एक शादी के लिए जैसे पूरा सेट करीब देखो ये जैसे 1500 की तलवार हो गई और करीब 500 का कटार हो गया तो 2000 में आप बेल्ट उसके साथ में ही है अच्छा तो मतलब 2000 का खर्चा है मतलब शादी का खर्चा आएगा और पूरे लॉन्ग लाइफ उनके परिवार सबके काम आती रहे बिल्कुल 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 और ये सब जितना भी आपने ये दिखाया तलवार सब धार फ्री किसी में धार नहीं है नहीं सब किसी में धार नहीं है क्योंकि धार का आजकल यूज है ही नहीं बिल्कुल इलीगल है धार इलीगल है कोई धार का काम नहीं और कोई बोले तो भी हम धार लगा के देते ही नहीं बिल्कुल बिल्कुल धार का मना है भाई बिल्कुल बिल्कुल और इसमें मैरून कलर भी आती है ये कोई मैरून कलर लेता है तो कोई पीतल की लेता है पीतल की आती है जी कोई पेंटिंग के मैन जो अंदर दिखाया था मैंने पहले आपको जी जी उसके अंदर ही चलता है जी जी सब तरह की रखनी पड़ती है गिराक का टेस्ट कैसा है हमको देखना पड़ता है किसी को कोई कस्टमर महाराष्ट्र में बैठा है या बेंगलोर में बैठा है या किसी कोई पंजाब में बैठा है किसी को यदि खरीदना है जोधपुर की तलवार खरीदनी है तो मुझे ये बताइए आप कैसे वो खरीदें तो हमारे दुकान का ही कार्ड दूंगा आपको उसके अच्छा हिसाब से आएगा हमारे दुकान आपका दुकान का नाम क्या बताया आपने दुकान का हमारा नाम है ब्रजमोहन परसराम चौहान अच्छा ब्रजमोहन परसराम चौहान और ये कहाँ पे पड़ता है ये आडा बाजार के अंदर आई हुई दुकान है अच्छा अच्छा जैसे आप जालोर गेट से अंदर आओगे ना अच्छा तो जालोर गेट से आधा किलोमीटर रहेगी हमारी दुकान तो इसका जो एड्रेस है वो आडा बाजार जोधपुर राजस्थान
और किसी को संपर्क करना आपको व्हाट्सएप के थ्रू तो इस नंबर पे कर सकते हैं। ये दोनों नंबर हमारे चालू है, आप किसी भी कर सकते हो। अच्छा, नरेंद्र जी चौहान का है 9829440042 और आपका मनोज चौहान जी का है 9950327735। तो मान लो फिर कोई ऑर्डर करता है तो आप उसको डिलीवरी करवा सकते हो ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी? नहीं, वो व्हाट्सएप पे हम फोटो भेज देंगे। ओके, उनको अच्छा लगेगा तो हम उनको डिलीवरी दे देंगे। अच्छा, मतलब जैसे महाराष्ट्र में बैठा तो महाराष्ट्र में भी आप डिलीवरी दे देंगे? हाँ, भेज देंगे हम। तो देखिए दोस्तों, ये है ब्रजमोहन परसराम चौहान जी की शॉप जोधपुर के अंदर, आडा बाजार जोधपुर सिटी। और ये नंबर आप देख सकते हैं दोनों, नरेंद्र चौहान जी का और मनोज चौहान जी का। आपको यदि कोई स्वॉर्ड खरीदनी है, आपको तलवार खरीदनी है, तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और थैंक यू मनोज जी। थैंक यू सर। या